हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज के वीडियो में मैं ये इजी पार्टी आई मेकअप शेयर करूंगी, जो बहुत ही ब्यूटीफुल सा सिल्वर हेलो आई लुक है, जिसे आप इजीली क्रिएट कर पाओगे इस वीडियो को फुल देखने के बाद। एंड बिगनर्स के लिए भी ये आई मेकअप इजी रहेगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फर्स्ट मैंने यहाँ पे कंसीलर को अप्लाई कर लिया है स्मॉल अमाउंट पे, एंड ब्लेंड करूँगी एक ब्लेंडिंग ब्रश के हेल्प से, ताकि सारे पिगमेंटेशन अच्छे से हाइड हो जाए एंड एक क्लीन कैनवस प्रोवाइड हो सके। फिर मैं कंसीलर को लाइटली सेट कर लूँगी पाउडर के हेल्प से, ताकि बेस क्रीज ना करे एंड रिमूव ना हो। इसके बाद मैं मेकअप रिवोल्यूशन गेम ऑफ थ्रोन आई शेडो पैलेट को यूज़ कर रही हूँ, और फर्स्ट मैं ये लाइट ग्रे शेड को लेकर क्रीज एरिया पे प्लेस करूँगी और ब्लेंड करूँगी एक फ्लफी ब्रश के हेल्प से, बैक एंड फोर्थ टेक्निक के हेल्प से। फिर मैं शेड को थोड़ा थोड़ा करके बिल्ड करूँगी, ताकि क्रीज एरिया को एक डिफाइंड लुक मिल सके एज अ ट्रांजिशन शेड। सो शेड को मैं बहुत ही अच्छे से टाइम लेकर ब्लेंड कर लूँगी। नेक्स्ट मैं ये डार्क ग्रे शेड को लेकर आउटर कॉर्नर पे डिपॉजिट करूंगी एक मीडियम ब्लेंडिंग ब्रश के हेल्प से, एंड पर्टिकुलरली उसी एरिया पे मैं शेड को बिल्ड करूंगी इंटेंसिफाई करने के लिए, एंड साथ ही मैं शेड को सर्कुलर मोशन पे ब्लेंड करूंगी। फिर मैं सेम शेड को स्मॉल ब्रश पे लेकर इनर कॉर्नर पे डिपॉजिट करूंगी, ताकि शेड प्रिसाइसली स्मॉल एरिया पे प्लेस हो सके। देन मैं सेम वे पे शेड को रीअप्लाई करूंगी एंड बिल्ड करूंगी, और साथ ही मैं शेड को अच्छे से ब्लेंड कर लूंगी। अगेन मैं फ्लफी ब्रश के हेल्प से एजेस को अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी, ताकि एजेस स्मूथ दिखे एंड कोई भी हार्शनेस ना रहे। नेक्स्ट मैं एल्फ मिनी आई शेडो पैलेट को यूज़ कर रही हूँ, एंड इसमें से मैं ये ब्लैक शेड को स्मॉल अमाउंट पे लेकर आउटर कॉर्नर पे डिपॉजिट करूँगी एक क्लीन ब्लेंडिंग ब्रश के हेल्प से। फिर मैं शेड को थोड़ा थोड़ा करके बिल्ड करूँगी, ताकि आउटर कॉर्नर को एक डेप्थ प्रोवाइड हो सके, एंड साथ ही मैं शेड को सर्कुलर वे पे ब्लेंड कर लूँगी। फिर मैं सेम स्मॉल ब्लेंडिंग ब्रश के हेल्प से इनर कॉर्नर पे ब्लैक शेड को प्लेस करूँगी, एंड स्लोली ब्लैक शेड को मैं बिल्ड कर लूँगी, ताकि इनर कॉर्नर को भी डेप्थ मिल सके। नेक्स्ट मैं शेड को सर्कुलर वे पे ब्लेंड कर लूँगी प्रिसाइसली। फिर मैं फ्लफी ब्रश के हेल्प से दोबारा शेड को ब्लेंड करूँगी, ताकि एजेस सॉफ्ट दिखे एंड कोई भी हार्शनेस ना रहे। इसके बाद मैं एक लाइट शेड कंसीलर को स्मॉल अमाउंट पे लेकर सेंटर लिड पे प्लेस करूंगी पेंसिल ब्रश के हेल्प से, ताकि बहुत ही प्रिसाइसली अप्लाई हो सके और साथ ही सिमर शेड अप्लाई करने में इजी रहे। सो कंसीलर को मैं थोड़ा अच्छे से ब्लेंड करूंगी ब्लैक शेड के एजेस के साथ एंड अच्छे से सेट कर लूँगी। देन मैं ये सिल्वर शिमर शेड को लेकर सेंटर लिड पे अप्लाई करूंगी पेंसिल ब्रश के हेल्प से, ताकि शेड स्मॉल एरिया पे अच्छे से प्लेस हो सके। फिर मैं शेड को थोड़ा थोड़ा करके इंटेंसिफाई करूँगी, सो पिगमेंटेशन अच्छे से प्रोवाइड हो। साथ ही मैं शिमर शेड को ब्लैक शेड के साथ अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी, ताकि कोई भी हार्श लाइन ना रहे। नेक्स्ट मैं PSC 2-way जेल को डायरेक्टली शिमर शेड के ऊपर अप्लाई करूँगी थोड़ा थोड़ा करके, एंड देन स्टार डस्ट का लूज ग्लिटर अप्लाई करूँगी इन दिस शेड डिस्को बॉल, जो बहुत ही ब्यूटीफुल सा होलोग्राफिक ग्लिटर है। सो इसे मैं एक स्मॉल फ्लफी ब्रश के हेल्प से अप्लाई करूँगी, ताकि ग्लिटर स्प्रेड होकर अप्लाई हो और इससे हेलो आई लुक और भी इन्हेंस दिखता है। सो ग्लिटर को मैं थोड़ा थोड़ा करके प्लेस करूँगी, ताकि ज़्यादा फॉल आउट ना हो। नेक्स्ट मैं PSC न्यूट कोल पेंसिल से वाटर लाइन को टाइट लाइन कर लूँगी, ताकि आईज़ ब्राइटर और बिगर शो हो। अगेन मैं डीप ग्रे शेड को लेकर लोअर लैश लाइन पे स्मोक आउट कर लूँगी डिफाइन करने के लिए, एंड अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। देन मैं ब्लैक शेड को लोअर वाटर लाइन के क्लोज थोड़ा सा अप्लाई करूँगी एक फ्लैट स्मजर ब्रश के हेल्प से, ताकि लोअर लैश लाइन को एक डेपनेस प्रोवाइड हो सके। देन मैं पेंसिल ब्रश के हेल्प से ब्लैक शेड के एजेस को अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी, ताकि कोई भी हार्श लाइन विजिबल ना रहे। फिर मैं लाइट ग्रे शेड से ब्राउ बोन एंड इनर कॉर्नर को हाईलाइट कर लूँगी, एंड इसमें मैं कोई भी शिमर शेड यूज़ नहीं कर रही हूँ, ताकि फोकस सिर्फ ग्लिटर्स पे हो एंड इससे कॉर्नर्स और भी इन्हेंस दिखता है। नेक्स्ट मैं मेबलिन कोलोसल बोल आईलाइनर से लैश लाइन के क्लोज सिंपल सा लाइन ड्रॉ करूँगी, सो लैश लाइन ब्लैंक ना दिखे एंड साथ ही फॉल्स लैश अप्लाई करने में इजी रहे। नेक्स्ट मैं लैशेस को अच्छे से कर्ल कर लूँगी एंड एसेंस फॉल्स लैश मस्कारा से अपर एंड लोअर लैशेस को अच्छे से कोट कर लूँगी 3-4 टाइम लेंथ एंड वॉल्यूम के लिए, एंड ऑफ कैमरा मैं फॉल्स लैशेस को भी अप्लाई कर लूँगी। सो दिस इज़ द फाइनल कंप्लीटेड लुक। आई होप आप सभी को ये लुक पसंद आया होगा एंड वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। अगर वीडियो हेल्पफुल लगे तो मेरे वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें एंड मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ऐसे ही न्यू वीडियोस देखने के लिए, एंड कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये लुक कैसा लगा। सी यू नेक्स्ट टाइम इन ब्रांड न्यू वीडियो। टिल देन, बाय गाइज़।